ये फार्मा से स्टडी में आपका स्वागत है आज हम लोग फार्माकोलॉजी मतलब क्या है जानने वाले हैं तो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम तो फार्माकोलॉजी इज अ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम ओके ये एक छोटी सी डेफिनेशन है फार्माकोलॉजी की जो फार्माकोलॉजी मतलब क्या रहता है एक साइंस है साइंस का जो पार्ट है इज विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स इसमें हम लोग ड्रग्स की स्टडी करते हैं मतलब ये ड्रग्स से इसकी स्टडी करते हैं तो देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्या करते हैं अपने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस पर रिएक्ट करता है और अपने अपने, अपने जो बीमारी हो कुछ भी हो ठीक कर देता है मतलब एक हम लोग को एक एग्जाम्पल देखते हैं एक अपना एक एक, एक इंसान है उसको एक कोई चीज बीमारी हुई है मतलब अपने उसको उसको बुखार हुआ है तो उसमें हम लोग हम, हम लोग उसको क्या करेंगे एक मेडिसिन देखे समझो पैरासीटामॉल दिया दिया तो वो पूरा बॉडी के बॉडी के साथ रिएक्ट हो रहा है मतलब ड्रग्स वो इनेट करेगा और देयर आर इंट्रैक्शन विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो बॉडी के जो फंक्शन है वहाँ पे इंट्रैक्ट करेगा और वो उसका बुखार हो ठीक कर देगा ये नॉर्मल ये ये स्टडी हम लोग फार्माकोलॉजी में करते हैं तो फार्माकोलॉजी एक दो ग्रीक वर्ड से दो ग्रीक वर्ड से डिवाइडेड है मीन्स फार्माकॉन मीन्स ड्रग फार्माकॉन मीन्स ड्रग और लॉगस मीन्स स्टडी इसमें क्या करते हैं जो ड्रग की है ना उसमें उसकी स्टडी करते हैं ये डेफिनेशन थी फार्माकोलॉजी की तो अभी देखते हैं हम लोग ड्रग की डेफिनेशन तो ड्रग ड्रग की डेफिनेशन में क्या करते हैं ड्रग इज़ अ स्टडी ड्रग इज़ अ सब्सटेंस यूज इन द डायग्नोसिस प्रिवेंटेशन ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ मतलब इसमें क्या है? करता है जो डायग्नोसिस करता है वो जो कौन सी मतलब जो आ, मतलब बीमारी हो ठीक कर देता है डायग्नोसिस प्रिवेंटेशन करता है और ट्रीटमेंट भी करता है डिसीज़ की ये ड्रग ये ड्रग है इम्पोर्टेंस ये पूरे फार्माकोलॉजी में ड्रग इज़ अ अम्पॉर्टेंट पार्ट है ये जो ड्रग है ना वो पूरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें तो ये देखते हैं चलो आ, हम लोग अभी दो मेन मेजर पार्ट पढ़ते फार्म आ, फार्म फार्मोकोलॉजी में एक फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडाइनेमिक चलो फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या जानते हैं हम लोग तो फार्माकोकाइनेटिक इज़ अ स्टडी ओके फार्माकोकाइनेटिक इज़ अ स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ अ ड्रग मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स काइनेटिक्स इसमें क्या स्टडी करते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन करते हैं एब्जॉर्प्शन की स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन से और मेटाबॉलिज्म एंड एक्सप्रेशन तो हम लोग इसके ना एक डायग्राम जान देखते हैं चलो एक डायग्राम देखते हैं ये डायग्राम है फार्मोको की इसमें देखो एबजॉर्बशन फर्स्ट होता है बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है और उसके उसके बाद एक्सप्रेशन होता है जो हम लोग ने अभी समझो एक एग्जाम्पल एक, एक मेडिसिन ली तो वो क्या करेगी बॉडी के साथ ना हम लोग ने एबजॉर्बशन की और बाद में वो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे बॉडी के एक फंक्शन में जी लिविंग ऑर्गेनिज्म में Uh, डिस्ट्रीब्यूट हो गई और मेटाबॉलिज्म में ये रिएक्ट करिए और एक्सेशन तो वो निकल जाएगी ये मेडिसिन तो ये पूरे बॉडी का एक जो एक uh, मतलब जो प्रोसेस है मेडिसिन की प्रोसेस है फार्मोकोगाटिक में हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बाद हम लोग फार्माकोडाइनेमिक मतलब क्या है देखते हैं जो फार्माकोडाइनेमिक मतलब एक बार वो भी सेकेंड पार्ट है फार्माकोडाइनेमिक है फार्माकोलॉजी का तो फार्माकोडाइनेमिक कैन बी डिफाइन एज अ स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ़ ड्रग्स एंड देयर देयर एंड देयर मेकानिज्म ऑफ एक्शन जो फार्माकोडाइनेमिक है ना उसमें हम लोग क्या करते हैं स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की जो मेडिसिन का जो मतलब समझो ड्रग का जो इफेक्ट है वो कैसे इफेक्ट करता है कौन कैसे मेथड से इफेक्ट करता है वो, वो हम लोग पढ़ते हैं एंड देयर मेकानिज्म एक्शन जो उसकी मेकानिज्मशन वो कहाँ पर कैसे एक्शन करता है बॉडी के साथ वो हम लोग पढ़ते हैं ये देखो एक डायग्राम है इसमें क्या क्या है एक मेडिसिन वो ऑफ एक्शन देखते हैं तो ये पूरा एक्टिविटी फार्माकोडामिक मीन्स एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो रही है यहाँ पे और एक्टिविटी ये एक एक्टिविटी हम लोग पढ़ते देखते हैं ये डोसेस है एक ग्रीन कलर के जो ट्रेसेस हैं तो ये हम लोग पढ़ते फार्माकोलॉजी में और आपको वीडियो कैसी लगी और प्रोडक्ट अपने अपने वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को सेंड करो थैंक यू फॉर वॉचिंग